उत्तर प्रदेश के रामपुर में सांस्कृतिक सद्भाव केंद्र में निर्माण के दौरान बड़ा हादसा। झारखंड की मजदूर महिला की बिल्डिंग से नीचे दर गिरने से मौत। ठेकेदार ने बिना पुलिस को सूचना दी एम्बुलेंस के जरिए महिला को झारखंड भेजने की कोशिश की। मीडिया के स्टेप से हस्तक्षेप के बाद महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए रामपुर जिला अस्पताल भेजा गया। कर रहे थे छत पे दूसरी मंजिल पे, मेरा बीवी को कल फिसल गया सर, गिर गए इधर नीचे, इसको मैं पकड़ रहे थे वो सारे गिर गए नीचे। अच्छा, हाँ कौन सी मंजिल से गिरे? दूसरी पर से। जब पैर फिसल गए इनका? हाँ पैर फिसल गए थे। किसी ने धक्का तो नहीं दिया? धक्का नहीं दिया है सर। अच्छा, हॉस्पिटल लेके गए तुम लोग? हॉस्पिटल लेके गए फिर आ गए हम लोग। क्यों? मैं जाते जाते खत्म हो गया ना सर। तब ये पोस्टमार्टम नहीं कराया इसका? अभी पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे हम सर। क्यों नहीं करवा रहे हैं? ठेकेदार कौन है? ठेकेदार अंदर में, हम कंपनी द्वारा इस काम कर रहे थे। फिर कौन सी कंपनी में? जो ये बन रहा है कंपनी। क्या कह रहे हैं ये लोग? ये लोग हमें बोल रहा हूँ कि हम पोस्टमार्टम नहीं करेंगे, मेरा जो पहुँचा दीजिए गाँव। क्यों? तुमने कहा नहीं यहाँ पर ऑन ड्यूटी काम करते हुए मरी है ये, तो जिम्मेदार तो तुम्हारी यहाँ जिम्मेदारी है। हाँ जिम्मेदारी है। हाँ बोले सर। फिर तुम क्या चाहते हो? हम चाहते हैं मेरा चार गो बालक छोटा छोटा है, उनको हम पढ़ाएंगे लिखाएंगे, हम लोग मजदूर आदमी है सर, उसको नहीं पढ़ाएंगे तो हम लोग कमा के उसको पेट पाल रहे हैं सर, खाने को इन छोटा मेरा बालक सब है, क्या करेंगे हम? बच्चे कहाँ तुम्हारे? बच्चे अंदर में है सर। मियां ने दे रहे बच्चे? हम बोले ठीक कि मेरा बच्चे को कम से कम ला दीजिए इधर, देखेगा मेरा बच्चे छोटा अभी साल भर में 2 साल का है। चलो ठीक है, अरे दूध पीने वाले बच्चे सर। रामपुर से अशोक शर्मा की रिपोर्ट।